आप खाओ आज घर पे और बनाओ उसको बढ़िया। तो ये जलेबी टाइटल जो है, स्टोरी भी उसी तरह डेलीशियस है, टेस्टी है जलेबी की तरह। क्या स्टोरी है ये, पहले तो हमको देखना है कि लिखा किसने है, हु इज द राइटर ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। यू कैन सी दिस इज अहमद नादिम कासमी इज द ऑथर। अहमद नादिम कासमी इज द ऑथर ऑफ दिस कश्मीर कासमी इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी जलेबी, इसी की ऑथर है। एंड अहमद शाह अवान, ओके, ही वॉज बॉर्न ऑन 20 नवंबर 1916 मध्ये जन्म झाले। ही एंड डाइड ऑन जुलाई 10, 2006। हु वॉज दिस ऑथर, ही वॉज एन उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तानी पोएट। उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तानी पोएट, ही वॉज जर्नलिस्ट, ही वॉज लिटररी क्रिटिक। क्रिटिक म्हणजे जे काय म्हणजे त्याला आपण, समीक्षा करणारे कुठल्या बुक्सवर। ड्रॅमॅटिस्ट पण होते, नाटककार, अँड शॉर्ट स्टोरी रायटर सुद्धा होते। शॉर्ट स्टोरी लिहायचे, कवी होते, पोएट होते, जर्नलिस्ट, पत्रकार होते। ओके, ही वॉज बॉर्न ऑन 20 नोव्हेंबर 1960। कुठं जन्मले होते? अंगाहा पाकिस्तान मध्ये, पाकिस्तानी रायटर। अँड ही डाईड ऑन जुलै 10, 2006 इन लाहोर, पाकिस्तान। स्पाउस, ये स्पाउस मतलब बीवी, उनका नाम है बीवी का रबिया नदीम, और चिल्ड्रन उनका नहीम कासमी। और उनको अवार्ड कौन सा मिला है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारे इम्तियाज। सो ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, तो राइटर का नाम याद रखना, अहमद कादिम नादिम कासमी। ओके, देन अभी स्टोरी में है क्या, जलेबी में क्या है? इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार बच्चा है। ही इज एन ऑन हिज वे टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फी। एंड ही देर इज अ स्कूल फी इन हिज पॉकेट, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, उसके जेब में फी है, स्कूल फी है पॉकेट में, और उसको वो स्कूल फी पे करनी है, उस दिन देनी है स्कूल के अंदर। द साइट ऑफ क्रिस्प सायरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल। अब क्या होता है, व्हेन ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू स्कूल एंड ही इज गोइंग थ्रू द मार्केट, मार्केट के अंदर से जा रहा है, तो उसने क्या देखता है जाते जाते स्कूल में, ही सॉ दैट द क्रिस्पी, क्रिस्पी मतलब जो कुरकुरी सायरप, जो फुल ऑफ सायरप जो होती है, जूस से भरी हुई जूसी जलेबीज निकल रही है एक खड़ाऊ से, एक मार्केट से, एक हलवाई की दुकान में। और वो देख के ही इज वेरी एक्साइटेड, उसको बड़ा मुंह को पानी आ जाता है। और जब वो जलेबी को देखता है तो उसके जो जेब में पैसे है, वो पैसे क्या करते हो, दे स्टार्ट जिंगलिंग, जिंगलिंग मतलब आवाज करना शुरू कर देते हैं और उसको मिसगाइड करना शुरू कर देते। वो कॉइन्स बात करना लगती है उसके साथ, बातें करते हैं और उसको बहुत वो रिक्वेस्ट करते कि भैया खा ले ये, मेरे को हमारे को है ना, आप खर्चा कर दे, तू जलेबी पे खर्चा कर ले ये पैसे और जलेबी खा ले। तो उसमें दोनों में बहुत वार्तालाप होता है, दे टॉक विद ईच अदर। और अल्टीमेटली क्या करता है बच्चा, आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विथ हिमसेल्फ, खुद के साथ बात करते करने के बाद, वो कॉइंस के साथ बात करने के बाद, ही डिसाइडेड टू ईट जलेबीज, वो जलेबीज खा लेता है उस पैसे से। अब जलेबी खाने के बाद क्या होगा, और क्या होगा कि उसको अभी स्कूल फी तो पे करनी है, लेकिन स्कूल फी तो उसने नहीं भर सकता अभी, क्योंकि पैसे उसने खर्च कर दिए, घर में बता नहीं सकता क्योंकि घर में मार पड़ेगी। तो उसके साथ क्या क्या डिफिकल्टीज आती है इस लेसन में, बड़े मजेदार तरीके से ऑथर ने बताया है। सो हम उसको स्टार्ट करेंगे अभी, फिर शैल वी स्टार्ट दिस? यस यस सर, सर, ओके, वेरी यस सर, गुड। अभी एक काम करो, ये शिवम है ना, शिवम आर यू देयर? शिवम वनस्कर है क्या बेटा वहां? नहीं है शिवम, है क्या शिवम? यस सर, कुठे गेलता शिवम? सर ते माझे हात वळले होते तर ते मोबाईल स्क्रीन घेऊ नव्हते लागले. बरं, जाऊ दे, तुला दिसत आहे ना हे स्क्रीन? यस आता हे वाच बरं, हे हा पहिला पॅराग्राफ वाच। ओके, वी विल स्टार्ट द लेसन, एक एक जण वाचणार, तुम्ही सगळे अटेंटिव्ह राहा, मी कोणालाही वाचायला सांगणार। शुभम रीड। इट हॅपन्ड मेनी इयर्स अगो
आय वॉज इन द फिफ्थ स्टँडर्ड ऍट द गव्हर्नमेंट स्कूल कंबेलपूर नाऊ कॉल्ड अटॅक. वन डे आय वेंट टू स्कूल विथ 4 rupees इन माय पॉकेट टू पे द स्कूल फीज अँड द फंड. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammad, was on leave and so the fees would be collected the next day. Although the day the coins simply sat in my pocket, but once school got over, I was outside, they began to speak. Okay, very good, beta. So it happened many years ago. जो author ही हमें story बता रहा है, एक बच्चा हमें story बता रहा है, वो क्या कहता है author? In which standard he was? Fifth standard. He was in fifth class. Okay. Just a minute. He was in fifth class and in which school he was studying? Kambelpur. Government school and in which place? Kambelpur. और अब Kambelpur को क्या नाम है? It is now called Kambelpur. इसको क्या कहते हैं अभी? अटक के school में government school में पढ़ रहे थे author बच्चा और वो पांच fifth standard से. Okay. What did he carry in his pocket? Four rupees. 4 rupees he was carrying. Fees and fund. And he was, it was his school fee. He was going to school and those coins were in his pocket. Okay. When he went to the school, what did he find? Usne kya dekha school mein jane ke baad? Who collected money? Master Ghulam Mohammad. Yes. He found on leave and he. So the fees. Sir, he was on leave. Yes. Collected the next day. So usne dekha, why did he not pay the school fee that day? Because that day what happened, the master, teacher, whose name was Ghulam Mohammad, was on leave. Teacher. That's why he did not pay the school fee that day. Uske karan kya hua? All through the day, the coins simply sat in my pocket. Din bhar wo jo coins the uske jeb mein baithe rahe. Kyunki usne school fee us din pay nahi ki. So kya hua? But once the school got over, जब school खत्म होगी and author came outside, वो बच्चा बाहर निकला school के, they began to speak. They means who here? Who began to speak? The coins. Coins began to speak. Now you tell me, do the coins speak? No sir. अब जेब में रख के देखो, speak करते कि नहीं? आपने एक poem पढ़ी थी, talking fan, याद है? Mystery of talking fan. वो क्या कह रहा है तो वैसे जब कॉइन लेके आप जेब में अगर घूमोगे जब वो जिंगलिंग जिंगलिंग की आवाज करेंगे तो हम आप इमेजिन करो क्या कह रहे हो तो इमेजिनेशन करते है तो हो सकता है कर दूंगे आपसे तो उसी तरह का किस्सा बच्चे के साथ हुआ लेकिन ये जो कॉइन थे ना ये कॉइन बड़े अलग तरह के थे ये सही में बात कर रहे थे क्या कहने लगे लेट्स सी Shreya read. Karan. Shreya read. Sir, next screen. ये आ गई नहीं क्या? नहीं सर, हाँ सर अब आ गई. हाँ बोलो बेटा. आ गई थी सर. हाँ. All right, coins don't talk. They jingle or go khanak khanak. Yes. But I am telling you. आपका जो doubt होता, आपला जो doubt होता, coins don't talk. Author says yes, you are right. But they jingle. जिंगलिंग आवाज करते हैं और खनक खनक के आवाज करते हैं ओके आगे बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक वन कॉइन सेड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दोस फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाऊ इन द शॉप ओवर देयर कढ़ाऊ हां ओवर देयर दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ आउट फॉर नथिंग जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोस विद मोनिंग मनी 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 देयर पॉकेट can eat them and money is not for nothing money is mean to be spent and only they spent it who like jalebis yes dekhiye abhi ye jo money hai na kya kehne lage coin kya kehne lage they jingle they said that day they actually spoke sahi mein baat ki unhone kya kaha one coin said ek coin kya kehta hai what are you thinking about kya soch rahe ho what are you thinking about those fresh ye dekhiye those fresh hot jalebis
कमिंग आउट ऑफ द खड़ाऊ, खड़ाऊ मतलब कढ़ाई से जो बाहर निकल रही है जलेबी, इन द शॉप, इस शॉप के अंदर, ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, फालतू नहीं आ रही वो, वो जो हलवाई वाला है उसको क्या फुकट में निकल रहा, क्या फालतू निकल रहा, क्या कढ़ाई के बाहर काय के लिए निकल रही हो, किस लिए निकल रही है? हाँ, जलेबीज आर मीन टू बी ईटन, जलेबीज आर मीन टू, मतलब खाने के लिए निकलती है जलेबी, जलेबी खाने के लिए होती है, एंड वो कौन खा सकता है वो जलेबी, एंड ओनली दोज विथ मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, जिसके जेब में पैसा है वही खा सकता है, एंड मनी इज नॉट फॉर नथिंग, और मनी किस लिए होता है, मनी इज नॉट फॉर नथिंग, फालतू का थोड़ी होता पैसा, पैसा किस लिए होता है, मनी इज मीन टू खर्चा करने के लिए होता है, और खर्चा कौन कर सकता है, एंड ओनली दे स्पेंड हु लाइक जलेबी, यार अब खर्चा वही करेगा जिसको जलेबी पसंद है, देखिए कितना बढ़िया उसको समझाया, सबसे तो पहले वो कड़ा खड़ा, उसने कहा वो खड़ाऊ देखो, खड़ाऊ से क्या निकल रही है, जलेबी, जलेबी किस लिए निकल रही है, फालतू निकल रही है क्या, नहीं, जलेबी मुझे खाने के लिए, और खाता वही है जिसके जेब में पैसा होता है, और पैसा वही खर्चा करता है, खर्चा करने के लिए होता है ना, और वही खर्चा कर सकता है जिसको जलेबी पसंद आती है, कौन कहा है ऐसा, हु सेड दिस, फर्स्ट कॉइन, यस, अभी दूसरा कॉइन पड़ेगा, चलो अभी सृष्टि पड़ेगी, सृष्टि रीड, हाँ सर, लुक हियर योर 4 rupees, आई सेड टू देम आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू, आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार और सेल, बिसाइड्स यू आर माय फीस एंड फंड मनी, इफ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माय फेस टू मास्टर मोहम्मद गुलाम इन द स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियां एट कयामत. You probably don't know it, but when Master Ghulam Mohammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgot to let you see till the last bell. So it's best you stop staring at my ears like this. This and let me go home. Very good. Let me go home straight. अब देखिए उसको आंसर क्या देता है ये बच्चा, क्या कहता है, लुक हियर यू 4 rupees, देखो 4 rupees, देखो coins, I said to them, मैंने कहा I am a good boy, मैं अच्छे अच्छा बच्चा हूँ, don't misguide me, guide करना और misguide करना, misguide करने मुझे गलत राह दिखाना, मुझे गलत रास्ता मत दिखाओ, और it won't be good for you, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर मुझे इस तरह से फालतू चीजें बताओगे तो, क्योंकि आई गेट सो मच एट होम, ये जलेबी क्या चीज है, मुझे घर में सब कुछ मिलता है, आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सीन, इतना मिलता है मुझे कि दैट आई कंसिडर, मैं समझता हूँ, कंसिडर मतलब थिंक, इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार, बाजार की चीजों पर देखना, खाने की चीज नहीं, कोई भी चीज पे तरफ देखना, मैं समझता हूँ सीन, SIN, सीन मतलब पाप, पाप समझता हूँ, इस तरह का सलाह मुझे मत दो, बिसाइड इसके साथ साथ, बिसाइड मतलब इसके अलावा, यू आर माई फीस, तुम मेरे फीस और फंड के पैसे हो, ओके, इफ आई स्पेंड यू टूडे, तुम्हें खर्चा कर दिया, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, मैं उस मास्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा कल जिसे मुझे फी देना है, एंड आफ्टर दैट, और उसके साथ साथ टू अल्लाह मियां एट कयामत, कयामत के दिन मैं अल्लाह मियां को क्या मुंह दिखाऊंगा, कयामत मालूम है क्या होता है, कयामत मींस द लास्ट डे, when the earth is supposed to be finished, destroyed, हमारी हिंदू रिलीजन में कहते हैं कि प्रलय आएगा, प्रलय पानी आएगा, पूरी तरह से डूब जाएगा, कुरान भी यही कहता है कि एक दिन पृथ्वी का अंत हो जाएगा, और वो जो कहता है क्रिश्चियन कहते हैं कि डूम्स डे आएगा, सब खत्म हो जाएगा, नोआज आर्क, उसमें से जो लोग है, जो दो चार लोग बचेंगे, नोआज आर्क की जैसी स्टोरी पता है आपको, तो ऐसा जो उसको कहते हैं कयामत की रात, कयामत का दिन, तो वो कहता है कि भैया कयामत का दिन जब आएगा और जब मुझे भगवान के सामने पेश होना पड़ेगा, तो उसको क्या जवाब दूंगा कि भैया तूने 4 rupees जलेबी पे क्यों खर्चे कर दिए, और वो तो दूर की बात है, कल वो गुलाम मियां को क्या मैं बताऊंगा जब वो फी मांगेंगी, तुम्हें पता नहीं, यू प्रोबेबली डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, बट वेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, जब मास्टर गुलाम मोहम्मद को गुस्सा आ जाता है, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और जब बेंच पे खड़ा कर देते आपको, तो क्या हो जाता है, ही सिंपली फॉरगेट्स, वो भूल जाते हैं टीचर टू लेट यू सीट, नीचे बैठना बिठाना आपको भूल जाते हैं, टिल द लास्ट बेल रिंग, आखिरी बेल बजने तक खड़ा ही रखते पूरे स्कूल में,
पूरे पीरियड में वो खड़ा कर देते, भैया ऐसे डेंजर गुलाम मोहम्मद है और उनसे पंगा मैं नहीं ले सकता हूँ। अच्छा उनके साथ भी पंगा लेना है और अल्लाह मियाँ के साथ भी, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए डोंट मिस गाइड मी। ये रीजन बता रहा है बच्चा व्हाई ही वाज नॉट रेडी टू स्पेंड मनी ऑन जलेबी। नंबर वन वाज ही वाज फ्रॉम अ गुड, ही वाज अ गुड बॉय। सेकंड ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, मैं अच्छे घर से खानदान से हूँ। और यू आर लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार इज अ सिन फॉर हिम, सिन मतलब पाप था उसको बाजार की चीजों पे देखना। और इट एंड सेकंड थिंग वाज दैट वाज अ स्कूल मनी, that was not a pocket money given to him by parents to to spend on jalebis all those thing, jalebi pe kharcha karne ke liye paise nahi diye the, so ye sab reason usko batata hai. Aur ye bhi batate ki teacher bade danger hai hamare, ab bhul jate ho khada karne ke baad desk pe bench pe niche nahi baithne dete, puri bell bajne deta, isliye aisa salaam mujhe mat do. Aur kya kehta hai, so it is best you stop chewing at my ear, chewing chabar chabar karna band karo mere kaan ke paas like this and let me go home straight, mujhe ghar jane do. Who said this? Boy. Okay, understood? समझ में आया? Boy. Okay, Gopal. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Watch. Look here. Kid. Look here. You 4 rupees. The coin is like what I did say. आता आवाज कमी झाला गोपाल. मस्ता मस्ता आवाज काढते. मोठ्याने आवाज काढ ना. The coin is like what I said too much that all of them began to speak at the same time. There was so much clamor such a clamor for passerby in a bazaar stand. In a bazaar, stare eyes wide with surprise at me and my pocket the coin of those days. The wretched thing made so much noise too. Finally, in a panic. I garbed all 4 of them, hid them right in my first, and then they were silent. Okay, very good. देखिए अभी the coins dislike और like होता है, like का आपको जो dislike होता है मतलब पसंद नहीं है नहीं. The coin dislike what I had said so much that जो मैंने कहा था उनको इतना बुरा लगा कॉइन्स को दैट सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगन टू स्पीक एट द सेम टाइम. एक ही बार बातें करना शुरू. चार कॉइन थे, पहले एक ही जन बात कर रहा था. फर्स्ट कॉइन ने मुझे सलाह दी थी, लेकिन जब मैंने उनको रिप्लाई दिया तो इनको सबको बुरा लग गया चारों को. तो दे बिगन टू स्पीक एट द सेम टाइम, एक साथ बातें करने लग गए. देन क्या हुआ, देर वॉज सच अ क्लैमर. क्लैमर मतलब साउंड, वॉइस, नॉइज. देर वॉज सच अ क्लैमर, इतना आवाज आने लगा मेरे जेब से दैट पासर बाय देख रहे पिक्चर में, ये जो बाजू वाले आने जाने वाले द पासर बाय उस रस्ते से पास होने वाले इन द बाजार स्टेयर्ड, स्टेयर एसटीआर स्टेयर में घूरने लगे मुझे. आईज वाइड विद सरप्राइज, उनके आंखें खुली थी और वो देवर वेरी सरप्राइज, क्योंकि कहां से आवाज आ रहा था उनको पता नहीं चल रहा था आवाज कहां से निकल रही उसकी जेब से और कौन बात कर रहा था कॉइन्स. सो ऑल द पासर बाय देवर सरप्राइज. ओके at my and they were looking at me and my to my pocket, mere pocket ki taraf dekh rahe the. The coin of those days, us zamane ke paise jo the na, coin jo the na, wretched thing, bade badmash the, made so much more noise, bahut zyada awaaz karte the. Finally maine kya kiya, aakhir mein jab wo awaaz zyada karne lage, in a panic mein dar ke karan, panic means frightened mood, I grabbed all 4 of them. Grabbed matlab daba diya unko, pakad ke rakha unko. All 4 of them, चारों को, and held them tight, पकड़ के रखा, किसमें? In my fist, fist मतलब पंजा जो होता है ना, ये जिसको मुट्ठी में मैंने दबा के रखा चारों को, held them tight in my fist, and then they were silent. और उसके बाद वो silent, क्योंकि मैंने गला दबा दिया उनका, आवाज ही मुंह बंद कर दिया, मुंह दबा दिया coins का, तो अब चुपचाप हो गए वो. Okay, understood? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, beta. Yes sir.
चलो अभी तो ये देखो कॉइन उड़ रहे, मतलब आवाज कर रही है पिक्चर में। चलो अब कौन पढ़ाए पढ़ेगा, एक जन कोई भी पढ़ो बोला अपने मन से, कोई भी पढ़ो पढ़ो, जो भी पढ़ो, रानी खिरड़कर पढ़ो बेटा, रानी पढ़ो। After taking a few steps, after taking a few steps, I loosened my grip. Immediately, the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebi? And then, if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees money, fees with the scholarship money." End of story. किस्सा खत्म, पैसा हजम। ओके। After taking a few steps, और उसने क्या किया? गला पकड़ के रखा, उनका coins को दबा के रखा। लेकिन after taking few steps, आगे कुछ कदम चलने के बाद, I loosened my grip, मैंने उनका गला छोड़ दिया। मतलब grip जो थी पकड़ मैंने ढीली की। Loosened my grip, तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने लूज किया तो इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन, उसमें से जो ओल्डेस्ट कॉइन था उसमें एक बूढ़ा कॉइन था। बूढ़ा कॉइन, देखो बूढ़ा कॉइन कैसा होगा रे, हम देखते हैं ना कॉइन्स के ऊपर ईयर लिखा रहता है 1996, किसी के ऊपर 1985, तो बूढ़ा कौन सा हो गया? 1985 वाला। ओल्डेस्ट कॉइन से, उसमें से ओल्डेस्ट कॉइन ने क्या कहा? हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड। बेटा वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, तुम्हारे भलाई की बात बता रहे हम यहाँ पर। एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस, स्ट्रैंगल मतलब गला घोटना। हाँ, तुम हमें गला घोट रहे हो हमारा, उसके बदले देखो कितने तुम व्यक्ति कैसे व्यक्ति हो, हम तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं। वी आर टेलिंग यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू आर ट्राइंग टू स्ट्रैंगल अस, हमारा गला घोट रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मैं ईमानदारी से बताओ बेटा, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबी, गरम गरम जलेबी तुम्हें खाने की इच्छा नहीं हो रही क्या? एंड देन अगर हो रही है, इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टूडे, अब डर क्यों रहे हो? अगर खाने की इच्छा हो रही तो डरना क्यों है? क्यों? इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टूडे, अगर तुमने हमें जलेबी पे खर्चा कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तुम्हारो तुम्हें कल स्कॉलरशिप के पैसे मिलने वाले है, तो उससे क्या करो, उससे तुम स्कूल फी पे कर दो। आज तुम्हारी जो स्कूल फी जो तुम ये घर से लाई है वो जलेबी पे खर्च कर दो, डरने की चीज नहीं है, क्योंकि टुमारो यू आर गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप मनी, स्वीट्स विद द फीस मनी, स्वीट खा लो फीस मनी के साथ, फी पे करो विद द स्कॉलरशिप मनी, सिंपल है। स्वीट जलेबी विद फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म, पैसा हजम। देखो कितना बढ़िया उसको कथा, क्योंकि उसने क्या कहा क्वाइंस ने, तुम हमके खर्चा किस लिए करो कि कल तुम्हें स्कूल फी, स्कूल में स्कॉलरशिप पैसा मिलने वाला है, स्कॉलरशिप से तुम खुद स्कूल फी पे कर दो और हमारे ऊपर हमें जलेबी पे खर्चा कर दो। ओके, सो इन दिस वे द ओल्डेस्ट क्वाइन मोटिवेटेड हिम, ओके, एनकरेज्ड हिम टू ईट द जलेबी। लास्ट पैराग्राफ हम देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ चलो पढ़ो। Who will read? Raise the hand. Read anyone? Yes, Shubham और कुशलिक, और कौन पढ़ेगा? शुभम ने पढ़ा था, और यस वैष्णवी पोपड़गा रीड बेटा। Read fast. What you are saying isn't right. I replied, but it isn't that wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. I am not common story of boy. But then these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh and full of sweet syrup. Syrup. Very good, brother. Baga. What, अब उसके ऊपर ये सोच रहा है बच्चा, व्हाट यू आर सेइंग इजंट राइट, तुम जो कह रहे हो बेटा वो सही नहीं है, क्वाइंस को बता रहा है बच्चा, यू व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट राइट, वो सही नहीं है, लेकिन बट इट इजंट दैट रॉन्ग आइदर, लेकिन गलत भी नहीं है, तुम जो कर रहे हो गलत भी नहीं और सही भी नहीं। लिसन, सुनो, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, बड़बड़ करना बंद करो, मेकिंग नॉइज बंद करो, एंड लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो।
आई एम नॉट अ कॉमन काइंड ऑफ बॉय. सोर्ट मतलब काइंड. आई एम नॉट अ कॉमन काइंड ऑफ बॉय. मैं आम बच्चा नहीं हूं, साधारण बच्चा नहीं हूं. बट देन दी जलेबीज आर ऑल्सो नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबी. जलेबीज भी आम जलेबी नहीं है, साधारण जलेबी नहीं है. जैसे मैं साधारण नहीं हूँ, ये जलेबी साधारण नहीं है. क्यों? दे आर क्रीस, बड़ी कुरकुरी है. दे आर फ्रेश, ताजी है. एंड दे आर ए फुल ऑफ स्वीट सिरप, फुल ऑफ स्वीट जूस से भरी हुई है. तो मुझे इसके ऊपर, तुम्हारे सुझाव पर गौर करना पड़ेगा. आई विल. अब देखिए, थोड़ा बच्चे का मेंटेलिटी बदल रहा है. पहले बिल्कुल नहीं बोल रहा था, लेकिन क्वाइन ने जब उसको बताया तो वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होने लगा. लेकिन वो पूरा पॉजिटिव होता है उसके बाद क्या होता है हम अगले पीरियड में देखेंगे टुमारो. ओके चिल्ड्रन, बाय सर. बाय सर. और एक चीज, सन, वन मोर इंस्ट्रक्शन फॉर यू. जो आपने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लिखे है, वो प्रोजेक्ट आपको मेरे मेल आईडी पे भेजना तो है ही. पुंड जेनवी वाला मेल आईडी है मेरा, उस पे भेजना है. और वो साथ में तुम्हारे पास एक कॉपी भी रखना है, जब भी आपको बोला जाएगा तो वो लेके आना है. ठीक है चिल्ड्रन, ओके बाय. Bye sir.